आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत। दोस्तों, बिग बॉस का 13वां सीजन अब तक का सबसे लंबा सीजन रहा है और इससे पहले कोई भी सीजन इतना लंबा नहीं गया जिससे 5 हफ्ते का एक्सटेंशन भी मिला हो। इतिहास रच चुका है अपने ही आप में ये सीजन का। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं और इसी के साथ आज वो सफ़र ख़त्म होने वाला है। कुछ ही घंटे रह गए हैं फिनाले में और विनर का नाम सामने आने में बस कुछ ही घंटे रह गए। ऐसे में लगातार खबरें आती जा रही हैं यहाँ पर प्रशांत। जैसे कि अभी हमने देखा है कि टॉप 4 में कौन होगा, टॉप 3 में कौन होगा, वहीं अब जो चीज़ लोग यहाँ पर फिक्स अपने दिमाग में करके बैठे थे अब सब पलटता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि आसिम रियाज को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो टॉप 2 से भी बाहर हो गए हैं। एग्जैक्टली, टॉप 2 से बाहर हो गए, ये बहुत शॉकिंग खबर है। हालांकि कंफर्म नहीं कर रहे हैं इस खबर को, लेकिन रिपोर्ट्स अभी यही आ रही है। फाइनल ट्रेंड्स जो बताए जा रहे हैं और जो कि लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि शहनाज गिल जो हैं उन्होंने आसिम रियाज को यहाँ पर बीट कर दिया है। वो वोटिंग्स में आसिम से आगे निकल गई, हालांकि अभी तक आसिम रियाज आगे चल रहे थे। काफ़ी टाइम से लगातार कुछ घंटों से यही देखने को मिल रहा था कि आसिम के बीच में और शहनाज के बीच में वोटिंग्स का जो अंतर है वो अप डाउन देखने को मिल रहा था। कभी शहनाज ऊपर जा रही थी, कभी आसिम ऊपर जा रहे थे। वहीं अब एक बार फिर से शहनाज ऊपर पहुँच गई हैं और आसिम जो है वो 3rd नंबर पर आकर के खिसक गए। तो इसका मतलब आसिम आउट होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वहीं टॉप 2 के रूप में हमें शहनाज और सिद्धार्थ दिखने को मिलने वाले हैं, यानी कि शहनाज वर्सेस सिद्धार्थ ही होगा टॉप 2 में। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर एक बार मुकाबला जो अभी सब लोग सोच रहे थे कि सिद्धार्थ और आसिम के बीच में होगा, प्रोमो भी सामने आ चुका था। वो यहाँ पर तानाजी के सॉन्ग के साथ दोनों जंग लड़ते हुए एकदम जंग दिखाई जा रही थी सिद्धार्थ और आसिम के बीच में। लेकिन यहाँ पर अब जो मुकाबला होगा सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में होगा। तो दोस्तों, ऐसी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ खबरें ऐसी ज़रूर हैं और इससे जो भी हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम तुरंत लेकर आएंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ बिग बॉस के तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।